पेयर्स ऑफ वर्ड्स के हवाले से आज हमारी सातवीं वीडियो है। पिछले 6 वीडियोस में हमने 30 इंग्लिश के पेयर्स ऑफ वर्ड्स, उनके मानी और जुमलों में उनका इस्तेमाल सीखा है। आज हम मज़ीद 5 इंग्लिश के पेयर्स ऑफ वर्ड्स, उनके मानी और जुमलों में उनका इस्तेमाल सीखेंगे। हमारे साथ पहला लफ्ज़ है चेक। चेक का मतलब है चेक करना। दी डॉक्टर चेकड, डॉक्टर ने चेक किया। हिज ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर, यानी डॉक्टर ने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया। चेक, चेक का मतलब है बैंक का चेक। दे गेव हिम, उन्होंने उसको दिया। ए चेक, एक चेक। फॉर आर एस 1000, यानी 1000 रुपये का, उन्होंने उसको 1000 रुपया का चेक दिया। साइट, साइट का मतलब है हवाला देना। ही साइटेड, उसने हवाला दिया। मिनी एग्जाम्पल्स, बहुत सी मिसालों का। ही साइटेड, उसने हवाला दिया। मिनी एग्जाम्पल्स, बहुत सी मिसालों का। फ्राम द होली कुरान, कुरान पाक से, उसने बहुत सी मिसालों का कुरान पाक से हवाला दिया, या उसने कुरान पाक से बहुत सी मिसालों का हवाला दिया। साइट, साइट का मतलब है नज़ारा। द साइट, यानी जो नज़ारा था, वाज द साइट, नज़ारा वाज था वेरी अट्रैक्टिव, बहुत दिलकश या दिल को खींच लेने वाला, अट्रैक्ट करने वाला, यानी द साइट वाज वेरी अट्रैक्टिव, नज़ारा बहुत अट्रैक्टिव था। साइट, साइट का मतलब है तामीर के लिए इंतखाब करदा ज़मीन, यानी वो ज़मीन जहाँ पे तामीर करना मकसद हो तो उसको हम साइट बोलते हैं। दिस इज़ ए प्रोपोज्ड साइट, ये है एक मुजवजा या तजवीज़ करदा जगह या ज़मीन। फॉर ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए, यानी ये हॉस्पिटल के लिए मुजवजा ज़मीन है या तजवीज़ करदा ज़मीन है। कोर्स, कोर्स का मतलब है सख्त, कुर्द्रा या मोटा, या आम भी हम इनको बोलते हैं कोर्स, सख्त, कुर्द्रा या मोटा, या आम भी हम इनको बोलते हैं मामूली या आम सा। ही वियर्स, वो पहनता है कोर्स क्लॉथ्स, यानी मोटे कपड़े या सख्त कुर्द्रे कपड़े या आम कपड़े। ही वियर्स, वो पहनता है कोर्स क्लॉथ्स, यानी आम कपड़े या मोटे कपड़े या सख्त कुर्द्रे कपड़े। कोर्स, कोर्स जो निसाब का हिस्सा होता है कोर्स। दिस क्वेश्चन, ये सवाल इज़ आउट ऑफ कोर्स, यानी कोर्स से निकाला गया है या कोर्स इसमें ये सवाल नहीं है। दिस क्वेश्चन, ये सवाल इज़ आउट ऑफ कोर्स, यानी आउट ऑफ कोर्स है। कोल्ड, कोल्ड ठंडक को हम बोलते हैं, कोई चीज़ ठंडक हो जाए लेकिन नागवार, यानी अ कोल्ड विंड, यानी ठंडी हवा इज़ ब्लोइंग नाउ, अभी चल रही है। ए कोल्ड विंड इज़ ब्लोइंग नाउ, अभी ठंडी हवा चल रही है। कूल, कूल का मतलब है खुशगवार, ठंडा हो लेकिन खुशगवार, एक नागवार एक खुशगवार, यानी कूल का मतलब है अ कूल ब्रीज, यानी ठंडी हवा इज़ ब्लोइंग चल रही है, ब्रीज यानी वो हवा जो आपको अच्छी लगे या आपको खुशगवार लगे या आपकी तबीयत के मुताबिक हो। आगे हमारे साथ है कोमा। कोमा का मतलब है बेहोश, यानी वो बंदा कोमा में चला गया है, मतलब वो बेहोश हो गया है। ही हैज़ बीन लाइंग, वो पड़ा हुआ है इन अ स्टेट ऑफ कोमा, यानी बेहोशी की हालत में। फॉर द लास्ट 3 आवर्स, यानी पिछले 3 घंटों से। ही हैज़ बीन लाइंग, वो पड़ा हुआ है इन अ स्टेट ऑफ कोमा, बेहोशी की हालत में। फॉर द लास्ट 3 आवर्स, पिछले 3 घंटों से। आगे हमारे साथ एक और कॉमा है। कॉमा यानी डू नॉट
कामा का मतलब है कामा, डू नॉट पुट अ कामा हेयर, ये इस तरह जो लगाया जाता है नाइन की तरह होता है बिल्कुल, या उर्दू की वाव की तरह होता है, इनको हम कामा बोलते हैं। डू नॉट पुटा यानी मत डालो या मत रखो अ कामा हेयर, यहाँ पे कामा मत लगाओ। तो आज की इस वीडियो में हमने जो मुख्तलिफ अल्फाज सीखे, एक हमारे साथ था चेक, चेक का मतलब है चेक करना यानी डॉक्टर ने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया। दूसरा है चेक, बैंक वगैरह का चेक। साइट, साइट का मतलब है हवाला देना यानी किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ के मुतालिक हवाला देना। साइट, साइट का मतलब है नज़ारा, मंजर, सीनरी। साइट, साइट के लिए मतलब वो ज़मीन जो तामीर के लिए मुंतखब की गई हो उनको हम साइट बोलते हैं। कोर्स, कोर्स का मतलब है सख्त, कुर्दरा, मोटा या आम। कोर्स, कोर्स यानी निसाब या निसाब का हिस्सा। कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, वो ठंडा जो आपको नागवार गुजरे। कूल, कूल का मतलब वो भी ठंडा या ठंडी चीज़ को हम बोलते हैं लेकिन वो आपकी तबीयत के मुआफिक हो। कोमा, कोमा का मतलब है यानी बेहोश, वो कोमा में चला गया है या कोमा में चला गया है। और दूसरा हमारे साथ है कामा, कामा का मतलब है जो हम मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे कामा जो लगाया जाता है या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, शुक्रिया।